राठौड़, विक्रम राठौड़। नाम सुनते ही में भूकंप आ गया ना। बॉलीवुड के एक ऐसा स्टार जो ना कोई स्टार किड्स था, ना ही उसका इंडस्ट्री में कोई माई बाप था। कभी होटल में जूठे बर्तन साफ किया तो कभी किसी के आगे पीछे 18 महीने तक बिना पैसे के काम किया। फिर एक दिन गोविंदा के कहने पर स्टार बनने चल पड़ा और जब एक ऐसा दौर आया कि उसने गोविंदा के ही रोल को कटवा दिया, ऐसा इल्जाम लगाया गया। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ तक कि उसने लोंडियाबाजी ऐसी की कि एक टाइम पर चार चार एक्ट्रेस के साथ डेट किया, तो कहीं मीडिया में खबर आए कि उसे चप्पल से मारा गया, तो कहीं खबर आए कि उसने चुपके से शादी कर ली। एक ऐसा टाइम आया कि लगातार 16 फ्लॉप देने के बाद इंडिया से बोरिया बिस्तर बांधकर एक्टिंग को छोड़कर बिजनेस करने की ठान ली। बट वो कौन सी फिल्म थी जिसके हिट होने की वजह से खिलाड़ी ने फिर फिल्में बनाने की ठानी? तो आज की वीडियो में हम इंडिया का वन एंड ओनली खिलाड़ी भाई के सफर के बारे में जानेंगे, जिसे ना तो एक्टिंग आती थी ना ही पढ़ा लिखा था, तो कैसे आखिर उसे इंडिया का बेस्ट कॉमेडियन और खिलाड़ी का टैग मिला। और आगे ये भी बताएंगे कि आने वाले सालों में खिलाड़ी भाई का कितना तगड़ा कमबैक होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुत्ते को मार अक्षय कुमार। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजीव कुमार भाटिया फिल्मों में आने से पहले बैंकॉक में एक होटल में काम करते थे। वहाँ पर उसने टाइम निकालकर मार्शल आर्ट सीखा, फिर उसने इंडिया आने की ठान ली और इंडिया में आते ही एक फोटोग्राफर के असिस्टेंट बनकर रहे और लगातार 18 महीने तक काम किया और एक भी पैसे नहीं मिले। फिर एक दिन ऐसा आया कि खिलाड़ी के जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। गोविंदा उस समय किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जबकि अक्षय कुमार फोटोग्राफर बॉय थे जो फोटो खींचने के बाद शाम को जाकर दिखाना पड़ता था। फिर एक दिन अचानक जब अक्षय कुमार गोविंदा के गए फोटो दिखाने के लिए तो गोविंदा ने अक्षय कुमार को देखते ही बोला, हे चिकने तू तो हीरो लगता है, तू हीरो क्यों नहीं बन जाता। बस गोविंदा के उस शब्द को खिलाड़ी ने अपने दिमाग में फिट कर लिया, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। फिर आज एक फिल्म आई, अरे आज नहीं भाई, 1987 में एक फिल्म आई आज, जिसमें अक्षय कुमार को कुछ सेकंड का काम मिला, जिसमें वह एक कराटे ट्रेनर की एक छोटी सी भूमिका में नजर आए। फिर 1991 में उनकी पहली फिल्म आई सौगंध, जो जिसमें मुकेश खन्ना भी नजर आए थे और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। और उसके बाद बैक टू बैक तीन फिल्में आई, दीदार, डांसर, मिस्टर बॉन्ड, और तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। हालांकि अक्षय कुमार की पहली फिल्म दीदार थी जिसमें वह पहली बार काम किए थे, बट दीदार एक साल तक डिले हो गई और उससे पहले उनकी सौगंध आ गई। जबकि अक्षय कुमार के हैंडसम लुक और उनके एक्शन की वजह से उनको और भी फिल्में मिलती रही। वहीं फिर 1992 में अब्बास मस्तान की एक फिल्म आई खिलाड़ी, जो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसमें आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ कमाकर हिट रही। फिर क्या 1993 से साल 1994 तक फिल्मों की लाइन लगा डाली, आसान, दिल की बाजी, कायदा कानून, वक्त हमारा, सैनिक, ऐलान, ए दिल लगी, जय किशन और ये सारी की सारी फिल्में कुछ कमाल ना कर पाई और फ्लॉप करार कर दी गई। और फिर 1994 में ही राजीव राय द्वारा निर्देशित मोहरा आई, जो 3.75 करोड़ के बजट में बनी। इस फिल्म ने 22 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर हो गई और उस साल कमाई के मामले में दूसरी फिल्म थी, जिसमें पहली हम आपके हैं कौन थी, यानी अक्षय कुमार की झोली में पहली ब्लॉकबस्टर ने एंट्री मारी, जिसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, परेश रावल और रवीना टंडन भी थी। और ये पहली बार था जब अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने किसी फिल्म में एक साथ काम किया और ये तिगड़ी लोगों को इतना ज्यादा पसंद आए कि उन्होंने आगे चलकर कई फिल्में एक साथ की। वहीं रवीना टंडन की जगह पहले दिव्या भारती को कास्ट किया गया था, बट उनकी डेथ के बाद ये रोल रवीना टंडन को दिया गया। और इस फिल्म के गाने लोगों को खूब पसंद आए, ना कजरे की धार, टिप टिप बरसा पानी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और अक्षय कुमार तू चीज बड़ी है मस्त मस्त करके रवीना टंडन को फंसा भी लिए और उस समय उनका इश्क परवान चढ़ने लगा और अक्षय ने खूब मजे काटे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर उसके बाद 1994 से लेकर 2000 तक कई फिल्में आई, जिनमें उनकी खिलाड़ी सीरीज में टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई और खिलाड़ी सीरीज की सभी फिल्मों को लोगों ने खूब पसंद किया। खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 और खिलाड़ी 786, इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट हुई लेकिन खिलाड़ी 420 बुरी तरह से पिट गई। खिलाड़ी 420 भले ही फ्लॉप रही बट उसके अंदर एक ऐसा स्टंट था जिसको इंडियन सिनेमा में अभी तक सबसे खतरनाक स्टंट माना जाता है, क्योंकि उसमें अक्षय कुमार को चलती जहाज के ऊपर चढ़कर और फिर बैलून पर कूदकर हीरोइन को बचाना था। सबसे बड़ी बात थी कि उस टाइम पर कोई सेफ्टी जैकेट ना ही कुछ लिया था। डायरेक्टर के लाख मना करने पर भी अक्षय कुमार ने ये स्टंट पूरा किया था। यही नहीं, अभी और सुनिए।
अक्षय कुमार ने दोबारा वही गलती की सूर्यवंशी के टाइम पर। सूर्यवंशी में एक सीन था कि हेलीकॉप्टर से लटककर गुंडे को पकड़ना था, बट डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बिना जानकारी में ही अक्षय कुमार ने बिना सेफ्टी के ही हेलीकॉप्टर से लटककर स्टंट को पूरा किया। अगर गलती से भी हाथ छूटता तो समझो कहानी खत्म थी, तो हेरा फेरी थ्री की ऐसी की तैसी हो जाती। बात तो सही है। वहीं खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अपने से 13 साल बड़ी रेखा से इश्क लड़ाए तो वहीं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के बाद उनका नाम शिल्पा शेट्टी से भी जुड़ने लगा। हालांकि खिलाड़ी भी क्या करते, उनके हैंडसम लुक के चलते कई एक्ट्रेस उनके पीछे दीवानी थी। खिलाड़ी सीरीज के अलावा कुछ और भी फिल्में रही जो हिट हुई, जैसे जानवर, हेरा फेरी, धड़कन और हेरा फेरी के अंदर अक्षय कुमार की बेहतरीन कॉमेडी ने सबका दिल जीत लिया। मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद 2001 से 2011 तक अक्षय कुमार ने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन ज्यादातर कॉमेडी ही फिल्में थी। आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, नमस्ते लंदन, हे बेबी, वेलकम, दे दनादन, हाउसफुल, खट्टा मीठा, भागम भाग, जिनमें से सिर्फ दीवाने हुए पागल फ्लॉप रही और बाकी सब हिट रही। वहीं खट्टा मीठा में अक्षय कुमार के कॉमेडी अंदाज के लिए उनको बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड दिया गया, यानी अक्षय कुमार को लोगों ने कॉमेडी अंदाज में बहुत ज्यादा पसंद किया। हालांकि अक्षय ने उस समय कुछ रोमांटिक फिल्में भी की, बट उनमें से सिर्फ अंदाज हिट रही। वहीं 2009 में एक फिल्म आई थी ब्लू, जिसमें अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त और कैटरीना भी नजर आई। फिल्म में अक्षय कुमार मरते मरते बचे। दरअसल वह पानी के अंदर स्टंट कर रहे थे और उनका सर एक नाव से टकरा गया और बहुत सारा खून बहने लगा, और पानी के अंदर खून फैलने से उनको करीब 40 से 50 शार्कों ने घेर लिया था, बट घायल अक्षय कुमार किसी तरह ऊपर सतह पर आ गए और उन्हें बचा लिया गया। अब इन्हीं बीच अक्षय पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें भले ही लोग कॉमेडी और एक्शन अंदाज में पसंद कर रहे थे, बट उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पा रही थी और बैक टू बैक लगातार उनकी 16 फिल्में फ्लॉप हो गई। और फिर अक्षय कुमार मानो सिनेमा दुनिया से ही दूरी बनाने की सोची और वह फिल्में करना बंद कर दिए। उसी टाइम पर उनका एक दोस्त कनाडा में रहता था, उसने अक्षय को फोन किया और बोला कि तू इधर आ जा, यहीं पर बिजनेस करते हैं। और फिर क्या, खिलाड़ी भाई ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया और कनाडा चले गए बिजनेस करने और वहाँ की नागरिकता ले ली। फिर क्या, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और उसी टाइम पर उनकी फिल्में रिलीज होने को बाकी थी और जब थिएटर में आई तो चल पड़ी, यानी लगातार अक्षय कुमार की 3-4 फिल्में हिट हो गई। अब क्या, अक्षय फिर वहाँ से बोरिया बिस्तर बांध कर इंडिया दोबारा आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, और फिल्मों में काम करने लगे। बट इन्हीं बीच अक्षय कुमार को कैनेडियन कहकर लोग चिढ़ाने भी लगे। कोई कहा ये इंडियन नहीं है, रहता यहाँ है, नागरिक कनाडा का है। और उस समय अक्षय को खूब लताड़ा गया। खिलाड़ी भाई ने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। उन्होंने मीडिया में हर जगह सफाई दी कि मैं इंडिया में रहता हूँ, सबसे ज्यादा टैक्स भरता हूँ, फिर भी लोग ट्रोल करते रहे। फिर क्या, अक्षय कुमार ने 2019 में कनाडा के सिटीजनशिप छोड़ने के लिए अप्लाई कर दिया और साल 2023 में 15 अगस्त को ही उन्हें ओनली इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। और फिर अक्षय कुमार पहले की तरह फिल्में बनाते रहे और एक साल में 4-5 फिल्में आती रहीं और पब्लिक उनसे उबती रही। वहीं कुछ कंटेंट वाइज भी फिल्में की जिसमें उनकी तारीफ भी की गई, जैसे OMG, स्पेशल 26, एयरलिफ्ट, रुस्तम, टॉयलेट, पैडमैन, गोल्ड, केसरी, मिशन मंगल, गुड न्यूज, सूर्यवंशी। इनमें से मिशन मंगल, गुड न्यूज, सूर्यवंशी ब्लॉकबस्टर रही। इसी बीच साल 13 अक्टूबर 2021 को अक्षय कुमार ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली, विमल पान मसाला का ऐड करके, और वहीं खिलाड़ी फैंस बौखला गए, क्योंकि खिलाड़ी कुमार अपने आए दिनों इंटरव्यू में फिटनेस को लेकर बातचीत किया करते थे और उन्होंने खुला बोला था कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ना जाने कितने पैसे मिलते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट जब खिलाड़ी अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ पान मसाला के एड में दिखे तो पब्लिक पागल हो गई, उन्हें जमकर ट्रोल किया। हालांकि अक्षय कुमार ने फिर पब्लिकली माफी भी मांगी कि मुझे इस एड के जितने भी पैसे मिलेंगे उसे दान कर दूंगा, इनमें से एक भी रुपया नहीं लूंगा, खाओ मां कसम। और फिर साल 2023 में इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, सेल्फी, OMG 2, मिशन रानीगंज, जिनमें से OMG 2 ब्लॉकबस्टर रही। वहीं रानीगंज भले ही फ्लॉप रही बट लोगों ने अक्षय की इस फिल्म के लिए तारीफ की। अक्षय कुमार के डाउनफॉल में सबसे बड़ी गलती थी कि वह फिल्मों को लेकर बिजनेस करने लगे थे। साल में 4-5 पिक्चर करो, खुद प्रोड्यूस करो और फिर दे दनादन पैसे छापो। उन्होंने अपने फैंस की ऐसी की तैसी कर डाली, क्योंकि एक ही साल में अगर 4-5 फिल्में आएंगी और हर महीने मीडिया में बने रहना पब्लिक को पसंद नहीं आया, फैंस उनसे ऊब चुके थे, क्योंकि जो इंतजार में
मजा होता है ना और कहीं नहीं। वहीं दूसरी गलती की बात करें तो अक्षय कुमार अपनी हिट फिल्मों के सीक्वल को छोड़ दिया, जबकि फैंस चाहते थे कि अक्षय कुमार अपने सीक्वल में खुद नजर आए और पब्लिक चिल्लाती रही बट वो नजर नहीं आए। वेलकम बैक, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्म को छोड़ दी और पब्लिक ने भी उन्हें छोड़ दिया। वहीं तीसरी गलती की बात करें तो अक्षय कुमार ने अपने फिल्मी करियर में 4 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को छोड़ दिया। बाजीगर में सबसे पहले अक्षय को अप्रोच किया गया था बट वे निगेटिव रोल के चलते फिल्म को करने से इनकार कर दिया। फिर भाग मिल्खा भाग में उन्हें अप्रोच किया गया लेकिन वो वंस अपॉन टाइम में मुंबई दोबारा के लिए भाग मिल्खा भाग को रिजेक्ट कर दिया और वंस अपॉन टाइम फ्लॉप भी हो गई। फिर रेस, एक और हॉलीवुड फिल्म जिसमें ड्वेन जॉनसन के साथ नजर आने वाले थे वो भी लीड रोल में, लेकिन उन्होंने इन सब फिल्मों को ठुकरा दिया और बाद में ये फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गई। अक्षय कुमार ने अपने पूरे फिल्मी करियर में टोटल 142 फिल्में की जिनमें से लगभग 61 से ज्यादा फ्लॉप रही और 6 ब्लॉकबस्टर और कई फिल्मों की सीरीज बना डाली। खिलाड़ी सीरीज में टोटल 8 फिल्में, हाउसफुल सीरीज की 4 फिल्में, हालांकि हाउसफुल 5 भी आने वाली है। वहीं हेरा फेरी सीरीज में उनकी 2 फिल्में आ चुकी है और हेरा फेरी 3 आने वाली है। फिर वेलकम सीरीज जिसमें 2 फिल्में आ चुकी हैं और तीसरी आने वाली है वेलकम टू द जंगल। बट अब अक्षय कुमार के बुरे दिन हवा होने वाले हैं क्योंकि अब वह फैंस की डिमांड पर काम करना चाह रहे हैं और वह अब अपने हिट फिल्मों के सीक्वल में खुद नजर आएंगे। अगर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इस साल 2024 में सबसे पहले बड़े मियां छोटे मियां आएगी, फिर सरफिरा, वेलकम टू द जंगल यानी इस साल सिर्फ 3, वहीं उसके बाद हाउसफुल 5, हेरा फेरी 3, जॉली एलएलबी 3, खेल खेल में साइको। तो वहीं आपको क्या लगता है, अक्षय कुमार का कमबैक होगा कि नहीं? अगर होगा तो वो कौन सी फिल्म है जो अक्षय कुमार का कमबैक करा सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।